में शॉर्ट सर्किट की वजह से टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। साल के अंतिम दिन भी पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का दिन संघर्ष और आंदोलन करते हुए बीता। आउटसोर्सिंग के खिलाफ सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों के समर्थन में उतरे पालीगंज के माले विधायक। पर 8-9 साल से मजदूर जो पूरे मनेर के सफाई काम में लगे हुए हैं, आज उनको अपने नौकरी के लिए, अपने काम को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इसलिए क्योंकि नगर पंचायत मनेर ने गलत तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा करके सिर्फ कमीशन के लिए एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्सिंग पे लिया, जिसमें पूरा एरिया का जो सफाई का काम है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसका फंडिंग भी ज़्यादा हो रहा है और मजदूर जो थे उसकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई। सहरसा में नए साल के मौके पर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़। वहीं सदर SDO शंभुनाथ झा ने भी रक्तकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। इस खास मौके पर लोगों को दी शुभकामनाएं। नए साल के मौके पर PM मोदी ने देश भर में 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। इसके तहत झारखंड में भी 1000 लाइट घरों का निर्माण होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PM को दिया धन्यवाद। खुद से इंतजार करने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, इसमें से थोड़ा कुछ शेयर केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होगा। इसे सर यही आग्रह के साथ आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं अपनी बातों को समाप्त। पटना के आशियाना नगर में कॉटन दुकान में लगी भीषण आग, धू धू कर जल गया लाखों का सामान। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर में नए साल के आगमन पर कोल्हान के प्रसिद्ध जादूगोड़ा माँ रंकिणी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इस दौरान लोगों ने सुख शांति के लिए भगवान से की प्रार्थना। इस बार देखिए COVID-19 के बाद पहली बार मंदिर खुल रहा है इस साल 9 वर्ष में जो है, और इस 9 वर्ष में हम लोग बहुत सारे भीड़ को देखते हुए यहाँ पर उसके लिए हम लोग प्रशासन से भी मदद मांगे हैं और बड़ी लंबी क्यू है और जो दर्शन के लिए लोग भक्त लोग आ रहे हैं उनकी हम लोग व्यवस्था किए हैं। नव वर्ष पर बिहार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा भूमिहीनों को वासगीत पर्चा का मिला उपहार। महादलित और योग्य भूमिहीन परिवारों के बीच कुल 396 वासगीत एवं 96 बंदोबस्ती पर्चा का किया गया वितरण। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य पे सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा के तहत पूरे जिले के सभी 10 जिलों में पर्चा का वितरण किया गया महादलित परिवारों को। पूरे जिले में 396 वासगीत पर्चा और 96 बंदोबस्ती पर्चा का वितरण किया गया है। मसौड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कंबल का वितरण किया गया, जिसमें संस्था के सचिव पंकज कुमार उपस्थित रहे।